जिस खुशी को बचाने के लिए तुम मेरी दोस्ती मिटा रही हो, वो खुशी तुम्हारे पास ज्यादा दिन नहीं रहने वाली। और शायद हो सकता है कि वक्त आने पर मुझे ही खुलासा करना पड़े कि वो असली रिपोर्ट किसके पास है। वंशिका, चाल चलती रही, खेला खेलती रही, ना तो तुमने हमें खेलने बुलाया, जीती भी बहुत बुरा बात है, फिर भी ट्रॉफी देने आया आज तुम्हें। वंशिका माथुर, हम तुम्हारी कोई भी आखिरी ख्वाहिश पूरी किए बिना तुम्हें मुक्त करते हैं। ज्यादा शोर पसंद नहीं है हमें। काहे गला फाड़ रही हो तुम? काहे गला फाड़ रही हो? आज तक दूसरों की जिंदगी में शांति फैलाती रही हो तुम, अब जाओ तो शांति से। वंशिका, मैंने ही काकू को पागल बनाने की साजिश रची थी। मैं उस काकुल से नफरत करती हूँ, तुम्हारी काकुल, क्योंकि उसने मेरे सम्मान को मुझसे छीना है। मैंने उसके लड्डू में जहर मिलाया था। मदद किसने किया तुम्हारा? किसी ने नहीं, सम्मान बाबू ने, उत्तरा जी ने, देविका ने, किसने? किसी ने नहीं, किसी ने नहीं। जो कुछ भी किया है मैंने अकेले किया। काकुल के लड्डू में जहर मैंने मिलाया था, और वो प्रसाद है कहकर उत्तरा आंटी को दे दिया, और वो लड्डू काकुल खाने लगी दिन में दो बार। आज्ञा का जी बहुत ठहरी। जानते हो वंशिका, ये सब सुनने के बाद हमने तुम्हें गोली मारने का इरादा बदल दिया है। चेंज, तुम जैसी नागिन को इतनी आसान मौत कैसे देते? तुम्हारा उद्धार करने का कोई मूड ही नहीं हमारा। वंशिका, तुम्हें तो सड़ना चाहिए, एक जंगली जानवर की तरह पिंजरे में तड़पा तड़पा के मरना चाहिए। ये करना चाहिए तुम्हारे साथ। अब एक काम करो, यही इंफॉर्मेशन पुलिस को तो चला। नहीं, प्लीज, अगर तुम चाहते हो तो मैं ये सब सम्मान के सामने और घर के बाकी सबके सामने सारी बात बता दूंगी। अगर तुम चाहते हो तो मैं शहर छोड़कर भी चली जाऊंगी, ठीक है? अरे हम तो ये चाहते हैं वंशिका कि तुम इस दुनिया से चली जाओ। शहर छोड़कर आसान करोगे हम पे तुम? अरे वंशिका, वो ये आइडिया ठीक है, तुम तो तड़प तड़प के मरो, वही ठीक है। कैसा लग रहा है वंशिका? कैसा लग रहा है? ए वंशिका, डर लग रहा है ना मौत से? जब हेलो हेलो पुलिस कंट्रोल रूम का प्लानिंग किया। मैं 10 पाली हिल से वंशिका माथुर बोल रही हूँ। आप यहाँ जल्दी आइए प्लीज, एक आदमी मेरे घर में घुसकर मेरी जान लेने की कोशिश कर रहा है। आप जल्दी आइए प्लीज, वो मुझे मार डालेगा। कर रही है वंशिका? खोल भाई, गेट खोल। ए वंशिका, दिल नहीं फंसी जा तेरा? काकुल के लड्डू में जहर मिलाती है। अगर उन लड्डुओं में जहर था, रिपोर्ट में ऐसा कहीं नहीं आया।
क्या काम पड़ गया आपको हॉस्पिटल में? मुझे भी जानना था कि रिपोर्ट में क्या है। देविका दी, आपका पार्सल कुरियर से पहुंच गया है, फिक्र मत कीजिएगा। जिस तरह सुजीत मुझसे पार्सल और कुरियर के बारे में पूछ रहे थे, आई थिंक उन्हें शक हो गया है। और वो चुप बैठने वाले तो है नहीं। इधर आइए। चाबियां कहां है इसकी? चाबी कहां है? लॉक करो, लॉक करो। पूछताछ तो नहीं करेंगे, मुझे उसे फोन कर देना चाहिए। मैडम दरवाजा खोलिए। तुम सबको कितना मिस कर रही थी। देखो माँ भी तुमसे मिलने आई और पापा भी आए। हाँ बेटा, हम सभी को घर पे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। अब कैसा महसूस कर रही हो? अम्मा कह रही थी कि जब वो ठीक हो जाएंगी ना तो तुमसे मिलने आएंगी। अम्मा ये भी कह रही थी कि तुम्हारे लिए नमकीन ले जाऊं, इसलिए मैंने समोसे बनाए। खाओगी? मम्मी जी रहने दीजिए, हमें भूख नहीं है। अरे कोई बात नहीं, जब भूख लगेगी तो बाद में खा लेगी, है ना काकू? हेलो जी, सम्मान बोल रहा हूँ। पर ये सब कैसे हुआ? ठीक है, अब उन्हें गहलोत हॉस्पिटल लेके आइए, मैं वहीं हूँ। तब तुम्हें डॉक्टर से बात करके सारा इंतजाम कर लेता। क्या हुआ सम्मान, किसका फोन था? पापा, पाली हिल पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर यादव का फोन था। सुजीत के डर के मारे वंशिका ने अपनी कलाई काट के सुसाइड करने की कोशिश की। माय गॉड, शी इज रियली सीरियस। I have to go, उसे बचाना मेरी प्रायोरिटी है।
पार्सल भेजा था वो हमें चाहिए। देविका दी ने वो पार्सल मुझे दिया है जीजू, मेरी कस्टडी में रखने के लिए, और अभी तक मुझे उनसे ऐसे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं मिले हैं कि वो पार्सल मैं आपको दे दूं। इसलिए आई एम सॉरी, मैं वो पार्सल आपको नहीं दे सकती। नेहा, एक पति अपनी पत्नी की चीज मांग रहा है कोई ऑब्जेक्ट करने वाला बात तो नहीं लगता हमें। देविका जी का हमारी हर चीज पर अधिकार है, हालांकि उसका बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ा है हमें, उसी तरह उनकी किसी चीज पर तो हमारा भी अधिकार होगा, है ना? लव दे दो हमें। अधिकार की बात मैं आपसे ज्यादा जानती हूँ जीजू, आई एम सॉरी, मैं वो पार्सल आपको नहीं दे सकती। अरे कुछ जानती ही तो नहीं हो तुमने, कुछ जानती तो नहीं हो, अगर जानती तो हमसे ऐसे बात नहीं करी होती तुम। पार्सल तुम्हें नहीं, नेहा बेटा, देविका को दिया हुआ पार्सल अगर तुम उसके पति को नहीं दोगी तो उन दोनों के रिश्ते के बीच दीवार पड़ सकती है, और फिर वो अगर कह रहे हैं कि वो पार्सल उनके लिए जरूरी है तो दे दो ना। नहीं माँ, जैसे इनका और इनकी पत्नी का रिश्ता इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट एक क्लाइंट और उसके वकील का रिश्ता होता है। देविका दी इस वक्त मेरी क्लाइंट है, उन्होंने मुझ पर विश्वास करके वो पार्सल मेरे हाथों सौंपा है। उनके इंस्ट्रक्शंस के बिना मैं वो पार्सल जीजू को देकर देविका दी के साथ विश्वासघात नहीं कर सकती। विश्वासघात? अच्छा, देविका जी ने जो हमें पार्सल के बारे में नहीं बताया वो विश्वासघात नहीं था? सब कुछ जानते हुए भी हमसे झूठ बोलती रही, वो विश्वासघात नहीं था? और आप जिस व्यवसाय में हैं वहां रोज विश्वास खरीदे जाते हैं, ईमान बेचे जाते हैं, आप उनसे ही बात कर रही हैं? जानती हो उस पार्सल में क्या है? उस पार्सल में एक मेडिकल रिपोर्ट है नेहा, जिससे यह साबित होता है कि काकुल पागल कोई नहीं है, वंशिका ने जानबूझकर उसे पागल बनाया है। स्लो पॉइजनिंग किया गया है उसे, लड्डू में जहर मिला के खिलाते रहे वो उसे। नेहा, ये रिपोर्ट छुपा के देविका जी ने सिर्फ सच्चाई का गला नहीं घोटा है, हमारे भरोसे के साथ विश्वासघात किया है, काकुल के विश्वास को धोखा दिया है। नेहा, हमें वंशिका को दोषी साबित करने के लिए उस रिपोर्ट का बहुत जरूरत है। हम विनती करते हैं तेरे भाई, वो रिपोर्ट दे दो हमें। तुम तो वकील हो ना नेहा, तुम तो चाहोगी कि अपराधी को सजा मिले। क्या है वो रिपोर्ट दे दो। वकील हूं इसलिए कॉन्फिडेंशियल बातों की अहमियत जानती हूं, भावनाओं में बहकर मैं अपने प्रोफेशनल एथिक्स नहीं भूल सकती। मेरा जवाब अब भी वही है जीजू, और रहेगा, मैं वो पार्सल आपको नहीं दे सकती। अरे रट के आई हो क्या तुम सब कुछ? इफ देन बट का मतलब नहीं समझ में आता तुम्हें? बचाना चाह रही हो वंशिका को? अपनी बहन को? नेहा, तुम जिद्दी बहुत हो हमारी तरह। सुशी बाबू, ये आप क्या कर रहे हैं? लाओ नेहा, पर्सों तो हमें दे दो बेटा। बंदूक का डर दिखाकर आप दुनिया के हर इंसान को झुकने पर मजबूर नहीं कर सकते। कर सकते हैं नेहा, हमें कुछ भी करने के लिए किसी का परमिशन की जरूरत नहीं है। तुम हमें पार्सल दे रही हो या हम खुद ले लें?
वो फाइल हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैंने सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया। आपका नाम इस सब में नहीं आएगा। सुजीत को तसल्ली हो गई है कि काकू के लड्डू में जहर मिलाकर खिलाने की साजिश मैंने रची थी। आंटी, आपकी इमेज आपके घर वालों के सामने बिल्कुल साफ है पहले की तरह, लेकिन इस सब के लिए आपको भी मेरी मदद करनी होगी। तुम्हारी मदद? हाँ, सम्मान को पाने के लिए आपको मेरी मदद करनी होगी, वरना कर रही थी तुम? क्यों अपनी जान लेना चाहती थी? मुझे लगा कि मैं दोबारा तुम्हें देख नहीं पाऊंगी। ओके ओके ओके, जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। मुझे ये बताओ, घर में हुआ क्या था? सुजीत क्यों तुम्हारी जान लेना चाहता था? वो चाहता था कि मैं कन्फेस करूं काकू के लड्डू में जहर मिलाकर जानबूझकर पागल बनाने की साजिश मैंने रची है। क्या? और मैंने कन्फेस कर दिया। मैंने सुजीत से कहा कि सब कुछ मैंने ही किया। Disgusting. But I don't believe this. और फिर उसने मुझे जोर से धक्का दे दिया। मैं बेडरूम में गई, मैंने दरवाजा बंद कर लिया और अपने आप को रूम में लॉक कर लिया। मैं बहुत डर गई थी और उसी हालत मैंने पुलिस को फोन किया। अगर पुलिस टाइम पर नहीं आती तो मैं सुजीत के हाथ में और सुजीत मुझे बेदर्दी से मारता। सवाल काकू को पागल बना दी, पागल बना रहे इल्जाम की जिल्लत में मैं नहीं जी सकती थी। सब नहीं जी सकती थी, काकू के बारे में ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती, ना तो दूर की बात है। वंशिका ठीक कह रही है बेटा, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। सोचती हूँ जिंदा क्यों हो सब बात, मेरी तो जीने की इच्छा ही नहीं है। मैं मर जाना चाहती हूँ सम्मान। मेरा सब तुमसे प्यार कैसा मैं तुम्हें चाहे और क्या चाहती थी मैं कि तुम्हारे साथ घर बसा कर खुशी खुशी, ये भी बहुत बड़ी मांग थी सम्मान। तुम्हारी काकू से शादी हो गई और मैं कहीं की नहीं रही। वंशिका, जो हुआ सो हुआ, उसे बार बार दोहराने से क्या मिलेगा? जो हुआ उसे विधि का विधान समझ के तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा, जैसे कि मैंने किया। देखो, ना मैं पटना जाता, ना मैं मजाक मजाक में काकू से प्यार करने का नाटक करता, तो
शायद अब तक हम दोनों की शादी होगी होती, हम दोनों का परिवार होता, पर ऐसा नहीं हुआ। बंदूक की नोक पे मुझे काकू से शादी करनी पड़ी और तुमने भी तैश मैके को तुमसे शादी करी। अंशिका, मैं मानता हूं कि जो भी हुआ उसे इनिशियली एक्सेप्ट करना मुश्किल था मेरे लिए। मैंने काकुल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया, हालांकि मैं उसे प्यार नहीं करता। मैं तुम्हारा गुनहगार, मुझसे गलती हुई जिसकी सजा तुम्हें भी मिली, जिसके लिए ना ही तुमने मुझे कभी माफ किया और ना ही मेरे घर वालों ने। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं भी बात बात पर अपनी जान देने की कोशिश करूं। मुझे इस बात का एहसास है कि मुझसे गलती हुई और मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं, पर जान लेने से तो कुछ हासिल नहीं होता ना। कुल काकुल, तुम यहां? तुम्हें तो अपने कमरे में होना चाहिए। आपको अपनी गलती की जिम्मेदारी उठाने की जरूरत नहीं है समा। मुझे गलत समझ गई काकुल, ऐसा कुछ नहीं है। गलत तो हम तब थे पर अब नहीं। ये बात हम पागलपन में नहीं कह रहे समान, हम अच्छी तरह जानते हैं हम क्या कह रहे हैं, और इसलिए आज हम आपको इसी वक्त इस शादी की कैद से आजाद कर रहे हैं, आजाद कर रहे हैं। हमेशा 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 काकुल, ये क्या कह रही हो तुम? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो काकुल? हमने जो सोचा वे बहुत पहले कर देना चाहिए था सम्मा। गलत तो हम ही थे जो सोचते रहे कि एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक ही तो है ना काकुल? इस बहस का कोई फायदा नहीं सम्मा। हमने जो सोचा है हम वही करेंगे। देखो काकुल, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें हमें छोड़ दीजिए सम्मा, से पीछा छुड़ाना चाहते थे ना, तो आज जब हम खुद आपको अपनी जिंदगी से दूर कर रहे हैं तो आपकी ईगो हट हो रही है कि हम ऐसा डिसीजन कैसे ले सकते हैं। हाँ, यह हक तो सिर्फ आपके पास ही है ना। ये वंशिका, आपको इस वंशिका का साथ चाहिए था ना? तो जाइए सम्मान, जाइए उसके पास। संभालो अपने आप को सम्मान, हम सब यही चाहते हैं कि तुम ठीक होकर जल्दी से घर वापस आ जाओ। बस कीजिए मम्मी जी, क्यों कर रहे हैं आप ये नाटक? हम अच्छी तरह जानते हैं कि आप हमेशा इस वंशिका को अपनी बहू बनाना चाहते थे। आपने तो कभी हमें बहू के रूप में स्वीकार ही नहीं किया, तो किस बात की झूठी तसल्ली दे रही हैं आप? हमने हमेशा आपको अपनी माँ का दर्जा दिया, बेटी की खुशियों में आग लगा दी। चले जाइए आप सब यहाँ से, अकेला छोड़ दीजिए आप लोग हमें। हमने कहा जाइए यहाँ से। काकुल, छोड़िए हमें। नर्स, क्यों पकड़ लिया? काकुल, छोड़ दीजिए। प्लीज, लिसन टू मी। काकुल, प्लीज, नर्स, जल्दी इंजेक्शन दे दिया। छोड़िए हमें। प्लीज, लिसन। हमें छोड़ दीजिए। लिसन। हमें बात करनी है। हमें छोड़ दीजिए। हमें कोई इंजेक्शन नहीं चाहिए। छोड़ दीजिए हमें। छोड़िए। काकुल, प्लीज। छोड़िए। लिसन टू मी। छोड़िए। एक सेकेंड, हाथ पकड़। क्या कर रहे? छोड़िए। कुछ तो कहिए प्लीज़।
कोई बात कर रही है मुझसे, कुछ तो कहिए। देविका जी, जब ज्वालामुखी फटता है तो कोई नहीं जानता कि उसमें कितने घर जलेंगे। हमारे सीने में भी ज्वालामुखी फटा है और हम भी नहीं जानते कि उसमें कितने रिश्ते जलेंगे। अब तो वो इंसान है जो अपनी परछाई पे भी यकीन नहीं करते कि वो हमारे साथ चलेगी। अगर आप पे विश्वास किया, आप पे भरोसा किया, उस दिन बाबू साहब को भरोसा दिला रहे थे हम कि हमारे हमारे प्यार ने, हमारे विश्वास ने बदल दिया है देविका जी को। हम उन्हें खून का तासीर थोड़ी बदलता है, खानदानियत। खानदानियत का क्या कीजिएगा आप? आपके पूरे खानदान को जो ये रिश्तों को लेकर सुसाइडल टेंडेंसी है, कामयाब रिश्तों से जो परहेज है आप लोगों को, ये जो आपके खून में बेवफाई, ये दोगलापन, मक्कारी, ये दौड़ता है, इसका क्या कीजिएगा? आपको देख के हम कैसे भूल गए देविका जी, एक आस्तीन के सांप को हम दूध पिलाएंगे तो वो डसना थोड़े छोड़ देगी हमें, कैसे भूल गए हम? ये ब्रीड का फर्क है, प्रजाति डिफरेंट है। खरगोशों को आप सांपों के घर में शादी कराएंगे तो रिश्ते कैसे निभेंगे? सांप डसना थोड़ी छोड़ देंगे, जहर उगलना थोड़ी छोड़ देंगे देविका जी। वही जहर जो काकुल के लड्डू में मिला दिया गया, वही जहर जो हमारी जिंदगी में घोल दिया गया। हम जानते हैं अस्पताल में वो रिपोर्ट बदल दिया गया था। आपने रिपोर्ट बदला था ना देविका जी? सबसे बड़ी दुश्मन को हम अपने दिल में, अपने घर में, अपनी जिंदगी में बना दिए बैठे रहे। अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से आपने अपना सारा जिंदगी खराब कर लिया देविका जी। लेकिन काकू ने फिर भी अपनी खुशियों का, हमारी खुशियों का दाव खेल के आपकी जिंदगी संवारने का हर कोशिश की, और आपने क्या किया? वो अस्पताल में चालें चलती रही आप। सुजीत जी, मैं भी यही चाहती हूँ कि काकू जल्दी ठीक हो जाए। अरे अभी भी शुरू है आपका। अमीरी सुजीत जी, चलिए। क्या कहे आपसे? चलिए। देविका जी, इस सब देख के हमें सिर्फ एक ही बात लग रहा है कि ना तो आपकी पत्नी बनने की नियति थी और ना ही नियत। नेहा, मैं काकुल से बहुत प्यार करता हूं, नहीं जी सकता मैं काकुल के बिना। मेरे समझ में नहीं आता कि काकुल वंशिका को लेकर इतनी इनसिक्योर क्यों है, क्यों काकुल को समझ में नहीं आता कि मेरे और वंशिका के बीच में कुछ नहीं, और जो कुछ भी था वो काकुल से छुपा तो नहीं है। और आज जो वंशिका के साथ हो रहा है उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं भी तो, क्योंकि आज मैं वंशिका को अकेला छोड़ दू तकदीर के सहारे, उसके लिए मेरा जो फर्ज है, जो मेरी जिम्मेदारी है, ना निभाऊं उसे। आखिर वंशिका का भी मेरे अलावा और है ही कौन? वंशिका दीदी के जो अपने हैं उन्हें वो अपना मानती नहीं है, जेल में ही सही, लेकिन पापा हैं, मैं हूं। वंशिका दीदी हमारी जिम्मेदारी है भैया,
और फिर काकुल दीदी अगर इनसिक्योर फील कर रही हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। कोई भी औरत अगर अपने सुहाग पर खतरा मंडराते हुए देखेगी तो इनसिक्योर फील करेगी। वंशिका से काकुल या उसके सुहाग को कोई खतरा नहीं, ये बात काकुल को समझनी होगी और बाकी सबको भी। सम्मान, ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा? क्यों हालात को और बिगाड़ रहे हैं? पापा, मैंने ऐसा क्या किया जिनसे हालात बिगड़ रहे हैं? जो भी हो रहा है सब में यही क्या गलती है पापा? देखा जाए तो वंशिका की भी ऐसी क्या गलती है कि उसे जान से ही मार दिया जाए? उसकी सेहत को देखते मैंने और माँ ने उसे कन्विंस किया था हमारे घर रहने के लिए। मैं मानता हूं वंशिका ने गलतियां की, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि सुजीत जाके उसे जान से मार दे। पापा, मैं हालात नहीं बिगाड़ा। हालात तो काकुल के घर वाले बिगाड़ रहे, क्योंकि उन्होंने ठान लिया है कि वो मुझे और काकुल को अब एक साथ चैन से जीने नहीं देंगे। क्या बताएं सिंह साहब, वो सुजीत बाबू एक नहीं, हम सुजीत बाबू को जानते हैं। शिका ने कुछ किया होगा तभी सुजीत बाबू ने उनके ऊपर हमला किया है। बिला वजह वो कुछ कर ही नहीं सकते, हम उनको जानते हैं बचपन से। लेकिन बाबू साहब, फिलहाल ये साबित करने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है, और आप तो जानते ही है कि सच को सच साबित करने के लिए भी कानून सबूत मांगता है। एक आध घंटे के अंदर ही सुजीत बाबू मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाएंगे, बताइए हम क्या करें। बहु साहब, आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि सुजीत बाबू को बेल मिल जाए। हाँ, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए। जी बहु साहब, कोर्ट खत्म होने के बाद मैं खुद आपको फोन करूंगा। ठीक है। मिस्टर शर्मा, सुजीत जी को बेल मिल जाएगी ना? देखिए, जब तक हम ये साबित नहीं कर देते कि मिस्टर सुजीत ने मिस वंशिका माथुर पर जो हमला किया था उसकी ठोस वजह क्या है, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं आपके साथ कोर्ट चल सकती हूँ? देविका जी, मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में मुलजिम, वकील या पुलिस के अलावा किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। देविका दीदी आइए ना, अब आप जाइए। देविका दीदी आ गई है, हमें उनसे बहुत सी बातें करनी। कैसी हो दीदी? आप अकेली आई? जीजू नहीं आए? ऐसा क्या जादू कर दिया आपने जीजू पे कि उन्हें आपके अलावा और कोई नजर ही नहीं आता? हमें तो लगता है जीजू हमें भूल ही गए हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना काकू, तुम्हारे जीजू तुम्हें भूल जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम नहीं जानती तुम उनके लिए क्या मायने रखती हो। तुम्हारे जीजू बहुत अच्छे इंसान है, एक बार किसी को दिल से अपना मान लेते हैं तो बस उसके लिए जान भी दे सकते हैं। शायद मैंने ही उन्हें समझने में भूल की है, इसलिए तुम मेरी बदकिस्मती देखो, ऐसा लगता है कि उन्हें पाकर भी खो दूंगी मैं। हमें भी हमेशा अपनी इसी बदकिस्मती से डर लगता था देविका दीदी, हमें भी लगता था कि हम सम्मान को पाकर भी खो देंगे। हम सब एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं, एक ही भंवर में फंसे। चलिए अच्छा ही है, डूबेंगे तो सब साथ में डूबेंगे।
नहीं काकू, ऐसा नहीं होगा। इस बावर से बाहर निकलने का रास्ता है काकुल, हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे। दिल से मैंने तय कर लिया है, इस बावर में मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगी, चाहे कुछ क्यों ना हो जाए तुम्हें डूबने नहीं दूंगी मैं। और काकुल, तुम्हें इस तूफान से लड़ने की हिम्मत है, है तुम्हें वो हिम्मत, तुम ऐसे ही हार नहीं मान सकती। मैंने अपने लिए रास्ता चुन लिया है काकुल, तुम्हें भी हिम्मत रखनी होगी, कोशिश करोगी ना, अपने इस पागलपन से बाहर निकलो काकुल, बाहर निकलो। अब तो ये पागलपन ही हमारी जिंदगी है देविका दीदी। कुछ लोग खुशियां पाकर पागल होते हैं, तो कुछ लोग खुशियां पाने के लिए, जैसे कि हम। पर हमें खुशी है कि आपने तूफानों से लड़ने का तरीका ढूंढ लिया है। ऑल द बेस्ट देविका दीदी, ऑल द बेस्ट। नमस्ते। नमस्ते बेटा, आओ ना अंदर आओ। घर पे सब कैसे हैं? जी ठीक है। काकुल कैसी है? कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं है। अब नेहा घर पर है, मैं उसकी ऑफिस गई थी, वहां नहीं मिली मुझे। हाँ घर पे ही, अपने कमरे में। तुम बैठो, मैं बुलाती हूँ। नहीं, मैं देखती हूँ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है उसे। अच्छा तुम जाओ, मैं चाय लाती हूँ। भरोसा करके मैंने तुम्हें ये दिया था और तुमने, why did you do it? देविका दी, मैंने आपको आते हुए देख लिया था और मैं ये भी जानती हूँ कि आप इन पेपर्स के लिए ही आई हैं, लेकिन मैंने फिर भी इन्हें चला दिया, क्योंकि देविका दी, जो किसी की जिंदगी चला दे, ऐसे कागज के टुकड़ों को तो बहुत पहले ही चला देना चाहिए था। सौतेली ही सही, आखिर हो तो तुम उसकी बहन ही ना। तुम्हें पता था इन पेपर से सबसे ज्यादा खतरा वंशिका को है, उसे बचाने पे तुमने ऐसा किया है ना। मगर आपके इंपॉर्टेंट पेपर से वंशिका दीदी का क्या संबंध है? सुजीत जी ने भी उनके घर पर घुसकर उन पर जानलेवा हमला किया और अब आप इन पेपर्स के जलने पर परेशान हैं। आखिर ऐसा क्या राज है इस एनवेलप में जिसने इतने सारे लोगों की जिंदगी दांव पर लगा दी? ज्यादा बनने की कोशिश मत करो नेहा, ऐसे फिर डोंट नो इन पेपर्स में क्या है। इन्हें जलाने से पहले तुमने देखा नहीं इन्हें? नहीं, ये राज आपका है जो आपने मुझे दिया था और इसे छुपाए रखना मेरा फर्ज था और मैंने वही किया है। फर्ज? फर्ज? फर्ज के नाम पे धोखा दिया है तुमने। अगर तुम्हारे दिल में खोट नहीं होता ना, तुम इन पेपर्स को जलाती नहीं। मैंने इन पेपर्स को सिर्फ इसलिए जलाया है ताकि इनके धुएं से किसी और की जिंदगी ना जले, तबाही ना मच जाए। बताइए देविका दी, इस एनवेलप में कौन सा राज बंद था? मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। अगर तुम वाकई इस राज के बारे में कुछ नहीं जानती तो तुम्हें जानने की जरूरत भी नहीं है नेहा। आज इन पेपर्स के साथ वो राज भी जलकर राख हो गया।
अरे बेटा कहाँ जा रही हो, आओ बैठो चाय पियो। देविका क्या हुआ, ये ऐसे क्यों चली गई? देविका दी का राज जलकर खाक हो गया। क्या ये लिफाफा तुमने जला दिया? नेहा, देविका ने कितने विश्वास के साथ ये लिफाफा तुम्हें दिया था, तुमने इसे जला दिया? क्यों? मां, मैं देखना चाहती थी कि मेरे इन पेपर्स को जलाने से देविका दी पर क्या असर होता है। सुजीत जी जो भी इन्हीं पेपर्स की वजह से मुझे धमकाने आए थे, मुझे मेरा एक्सपेक्टेड रिएक्शन मिल गया है। नेहा फिक्र मत कीजिए माँ, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे किसी का विश्वास टूट जाए। असली लिफाफा अब भी मेरे पास है और इसकी हिफाजत करना अब और भी जरूरी हो गया है माँ, बिकॉज आई एम श्योर इस लिफाफे में जरूर कोई ऐसा राज है जो अमरनाथ अंकल के घर को बर्बाद कर सकता है या फिर वंशिका दीदी की जिंदगी तबाह कर सकता है। तुम्हें तो अपनी बहन का एहसान मानना चाहिए कि उसने वो रिपोर्ट जला दी। वाकई नेहा बहुत समझदार है। नेहा ने सिर्फ मेरी नहीं आपकी भी जान बचाई, और वो रिपोर्ट जलने की खबर सुनकर मुझसे ज्यादा तसल्ली तो आपको ही होगी। मुझे तसल्ली तब होगी वंशिका, जब काकुल सम्मान के साथ मेरी बहू बनने को राजी हो जाएगी और अपने घर वापस आएगी। पागल नहीं होगा, मैं एकदम नॉर्मल। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुमने ये पागलपन का नाटक क्यों किया? हम पागल ही है।